डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर पोस्ट के जरिए उन्होंने हमला किया। पीडीए भूलकर डीएनए की बात कर गुमराह कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये बात केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई। कोर्ट की बात कर गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश को वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, क्योंकि डीएनए टेस्ट कराने की बात अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी। तो ये जो पूरा ट्वीट है, ये अयोध्या में हुए गैंगरेप को लेकर किया गया, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं और डीएनए टेस्ट तक की बात अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य न्याय सेतु ई समन सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। इससे लोगों को न्याय पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। महराजगंज में बदमाशों ने किराना कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से लौटते वक्त बदमाशों ने कारोबारी वशिष्ठ पांडे को गोली मारी और 3 में से 2 बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर असला लहराते हुए फरार हो गए। एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया था और मारपीट भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना निचलोल थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाश नेपाल के रहने वाले हैं। मैं नहीं जानता सर, मैं नहीं जानता। कितने लोग थे सही से बता, कट्टा कहाँ बा सर? कट्टा चलाया हो? नहीं सर, मैं नहीं। कट्टा भाना भी है? कितने कट्टा थे सर? मेरे कट्टा उतार दिए थे। उतार दिए थे मेरे को। कौन उतार दिया था? वही दोनों बोले कि उतार दे। कितने लोग थे सर? कितने लोग थे? 2 लोग। तुम बोले कब 3 लोग थे? मालूम नहीं कहाँ का थे वो लोग। नहीं सर, वो लोग मैं बोले तो उतर तुम आता हूँ, आते हैं पानी लेके आते हैं। बिजनौर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक युवक को पीटने का आरोप है। सिपाही लड़के को पीट रहा है। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि एक युवक को सिपाही कैसे पीट रहा है।